गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन रेडियो क्लासेस. दिस इज योर अफशा मैम एंड टुडे वी विल स्टार्ट आवर सिक्स चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, दैट इज टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स. सो दिस इज द सिक्स चैप्टर ऑफ सेवेंथ क्लास SST एंड वी आर teaching you history today. So, जो आपने इससे पहले भी जो पढ़ा, हमने जो क्योंकि हम medieval history पढ़ रहे हैं, तो अब हमने इससे पहले जैसे different dynasties पढ़ी, आपने देखा चोला dynasty आई, उसके बाद slave dynasty आई, फिर मुगल्स आए. तो हर एक के time पर यहाँ पर क्या क्या मतलब यहाँ पर क्या था, वहाँ पर टाउन्स किस तरह के थे, वहाँ पर ट्रेड किस तरह की थी, क्राफ्ट पर्सन से, या अगर एक ट्रैवलर अगर आता है सपोज मिडीवियल टाउन में, लेट अस सपोज इट, तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा, हाँ, कि वहाँ पर क्या होगा. ये डिपेंड करेगा कि वो टाउन किस तरह का था, एक टेंपल टाउन था या एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था, एक कमर्शियल टाउन था या फिर एक पोर्ट टाउन था. तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. क्यों? क्योंकि देखिए, हमने पढ़ा था मुगल्स के टाइम पे भी, तो किस तरह से जो है वो अपनी उन्होंने रिलीजन को असर्ट करने के लिए मॉस्क वगैरह बनवाई. और उससे पहले जो चोला डायनेस्टी में आपने देखा टेंपल्स कंस्ट्रक्ट हुए और कितने अच्छे अच्छे बड़े बड़े टेंपल्स हुए. और उस तरह से जब स्लेव डायनेस्टी आई तब भी जो है मुस्लिम मॉस्क बनाई गई. तो कहीं ना कहीं वो अपने जो रूलर से अपने आप को किससे रिलेट करते थे, रिलीजन से. और जितना ही रिलीजन से वो रिलेट करते थे उतना ही वो अपने आप को पावरफुल एस्टैब्लिश करने में या फिर आप कह सकते मनवाने में कामयाब होते हैं. बिकॉज उस टाइम जो रिलीजन था दैट वॉज वेरी मच मिक्सड विद द पॉलिटिक्स एंड किंग वॉज समहाउ सीन एज अ शेडो ऑफ गॉड. हाँ, तो अब यही हमने इसमें पढ़ना है कि वो टाउन जो थे उनकी कैसी कंस्ट्रक्शन थी, मतलब वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स थे या कमर्शियल टाउन्स थे या टेंपल टाउन्स थे, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कवर करेंगे. और उसके बाद ट्रेडर्स, यहाँ पे ट्रेड किस तरह की होती थी, और क्राफ्ट पर्सन जो थे वो किस तरह क्राफ्ट करते थे और क्या करते थे. ठीक है, अब इसका जो हम यहाँ से स्टार्ट जिसे कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर जो आपकी बुक में दिया गया है, कि चोला डायनेस्टी जो आपने चैप्टर सेकेंड में पढ़ा, वहाँ पर सपोज आप ट्रेवल कर रहे हो थंजावर जो कैपिटल थी चोलास की बहुत हज़ारों साल पहले. ठीक है, जो रिवर है कावेरी का वो यहाँ से इस ब्यूटीफुल टाउन जो है थंजावर का इसके पास से गुजरता है. और वहाँ पे सब लोग सुन सकते हैं किसकी बेल्स, राजा राजेश्वरा टेंपल जो था, जो चोलास के टाइम पे बना था, जो राजा राजा चोला ने बनाया था, उसकी आपको वो बेल सुनने को मिलेंगी. वी आर जस्ट इमेजिनिंग इट. ओके, तो आप इमेजिन कीजिए, फिर जो टाउन के लोग हैं वो उसके आर्किटेक्ट की बहुत प्रेज कर रहे हैं. और आर्किटेक्ट का नाम क्या था, वो भी बहुत बड़ा नाम था, कुंजारा मलन राजा राजा पेरुथशिशन. ये इतना बड़ा नाम था उस आर्किटेक्ट का. तो जिसने ये बहुत प्राउडली उसने ये क्या किया था, ये कार्विंग की थी और टेंपल की वॉल पे कार्विंग की थी, और जिसके अंदर एक बहुत बड़ा शिवलिंग था. बिसाइड द टेंपल्स वहाँ पर क्या थे, पैलेसेस थे जहाँ पर मंडपाज और पवेलियंस होते थे. मंडपाज क्या थे, एक स्ट्रक्चर मतलब एक खुला सा आप देखेंगे. पवेलियन तो आपको पता है क्रिकेट के स्टेडियम में भी होते हैं ना, कि जब जब आपने देखा होगा कोई जो क्रिकेटर है जब वो मतलब कुछ उसका रन आउट हो गया या विकेट चलेगी तो बोलते हैं जी बैक टू द पवेलियन. पवेलियन मतलब ऐसी खुली जगह जहाँ पर बैठा जाए. तो वैसे ही वहाँ पर उस टाइम मंडपाज और पवेलियंस होते थे. किंग का हाई कोर्ट होता था इन मंडपाज में, जहाँ पर वो इशू करते थे ऑर्डर्स अपने सबॉर्डिनेट्स को. और बहुत सारे बैरक्स होते थे वहाँ पे आर्मी के लिए. तो अब टाउन वहाँ पर क्या था, टाउन में क्या था, मार्केट्स थी जिसमें ग्रेन्स, मतलब उस ज़माने में क्या था, ग्रेन जो है हमारे जो अनाज है वो बिकता था, स्पाइसेस बिकती थी, क्लोथ बिकता था, ज्वेलरी थी, ये सब चीज़ें जो हैं उस ज़माने में बिकती थी. और उसके बाद
वहाँ पर क्या कंस्ट्रक्शन थी किसकी, वाटर सप्लाई किससे होती थी, वेल्स से और टैंक्स से। तो वेल्स और टैंक्स जो थे ये थे मीडियम ऑफ वाटर सप्लाई। आजकल के ज़माने में तो आपको वेल और टैंक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है ना, घर पे ही पानी आ जाता है क्योंकि नल है। तो जो वीवर्स थे जो तंजौर के, वो क्या करते थे, उरेर एक उस पास का जो टाउन था वहाँ पर वो क्लोथ्स और फ्लैग जो हैं वो, तो जो पास का जो जो था थंजौर के पास का जो रेड टाउन था वहाँ पर लोग क्या करते थे, क्लोथ्स बनाते थे फ्लैग्स के लिए जो टेंपल के फेस्टिवल में यूज़ होते थे। ठीक है, जब टेंपल्स फेस्टिवल होते थे तो जो उनके फ्लैग है वो नए लगाए जाते थे। और उसके बाद क्या था वहाँ पर, कॉटन के जो हैं वो किंग्स के लिए ना कॉटन बनाया जाता था, और हाई जो नोबल्स होते तो कॉटन जो था वो जो नोबल्स थे उनके लिए बनाया जाता था, बहुत ही उम्दा तरह का कॉटन। और कोर्स कॉटन जो है वो मास्टर्स के लिए बनाते थे। तो वहाँ पर क्या थे, बहुत सारे स्कल्प्टर्स भी थे उस टाइम जो एक्विजिट मतलब अच्छे से जो है क्या बोलते हैं आप, बहुत ही शानदार ब्रॉन्ज की आइडल्स बनाते थे, और टॉल ऑर्नामेंटल बेल्स बनाते थे, और मेटल की लैम्प्स बनाते थे। तो ये वहाँ पर उस टाइम था। उसके बाद टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर। अब टेम्पल टाउन्स कैसे थे और पिलग्रिमेज सेंटर क्या है, जो थंजौर है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ टेम्पल टाउन। ये क्या था, थंजौर एक टेम्पल टाउन की एग्जाम्पल है। ठीक है, टेम्पल टाउन जो है एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न था अर्बनाइजेशन का, मतलब वो एक बहुत ही मॉडर्न तरह की आप कहते हैं सिटी डिवेलप जो की गई थी। और टेम्पल्स जो थे वो सेंटर थे उस टाइम इकोनॉमी के लिए और सोसाइटी के लिए। क्यों, क्योंकि लोग जो हैं वो खुदा को या गॉड को या भगवान को मानते थे, और जो भी उनके पास था वो वहाँ पर जाके चढ़ावा चढ़ाते थे इन कैश और काइंड। तो ये उसकी इकोनॉमी के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी टेम्पल्स जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि लोग अपनी आस्था लेकर अपने बिलीव्स लेकर वहाँ पर जाते थे। तो रूलर्स जो थे वो बिल्ड करते थे टेंपल्स को, बनाते थे ताकि वो अपनी डिवोशन बता सकें डिफरेंट डाइटीज़ की तरफ, और दूसरा वो अपनी पावर भी बता सकें। तो वो क्या करते थे, टेंपल्स में के लिए ग्रांट्स जो हैं वो देते थे ऑफ लैंड या फिर आप कह सकते हैं मनी, ताकि वो अपने एलैबोरेट जो उनके रिचुअल्स हैं उसको कैरी ऑन कर सकें। और पिलग्रिम्स जो आते थे दूर दूर से उनको फीड करने के लिए भी, खाना खिलाने के लिए प्रीस्ट को, और डिफरेंट तरह के जो फेस्टिवल्स हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए, तो वो लोग इसको क्या करते थे, ग्रांट्स डोनेशंस देते रहते थे, चाहे वो लैंड की फॉर्म में दें या फिर मनी की फॉर्म में। पिलग्रिम्स जो थे जो दूसरी टेंपल से आते थे वो भी यहाँ पर, जो मतलब दूर दूर से आते थे वो भी यहाँ पर डोनेशन देते थे। आज भी आप देखते होंगे जो बड़े बड़े टेम्पल्स हैं जो पिलग्रिम्स आते हैं, जो मतलब जो श्रद्धालु आते हैं या जो लोग ऐसे भी देखने आते हैं रिलीजियस प्लेसेस को, तो वहाँ पर क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, उससे वहाँ की इकोनॉमी जो है चलती थी। ठीक है, टेंपल अथॉरिटीज़ जो थी इस वेल्थ को यूज़ करती थी ताकि वो ट्रेड और बैंकिंग में इसको क्या करते थे, यूज़ करते थे, उसको फिनांस करते थे। ग्रेजुअली बहुत सारे प्रीस्ट वर्कर्स आर्टिसन ट्रेडर्स जो थे वो कहाँ पर सेटल होना शुरू हो गए, टेंपल के पास, ताकि वो अपनी नीड्स और जो दूसरों पिलग्रिम की नीड्स हैं, जो श्रद्धालुओं की नीड्स हैं, उनको पूरी कर सके। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल छोटी सी देती हूँ, आप ज़रा देखिए, जैसे कि जम्मू में बाहू फोर्ट है, तो वहाँ पर जो बावे वाली माता है आप देखेंगे वहाँ पर उसके पास आसपास अगर आप देखें तो बाज़ार में कितनी ज़्यादा भीड़, वहाँ पर एक अलग तरह का बाज़ार है जिसमें रौनक बहुत ज़्यादा आपको रौनक लगेगी शाम को, और डिफरेंट तरह की वहाँ पे आइडल्स और डिफरेंट तरह की चीज़ें सामान मिलता है जो पिलग्रिम्स वहाँ पर आते हैं। और उस जो मंदिर है उसको भी कितना सजाया जाता है ताकि वहाँ से इकोनॉमी जो है वो जनरेट होती है, और पिलग्रिम्स के लिए वहाँ पर इंतज़ाम भी किया जाता है। तो वैसे ही एग्जांपल आप समझ लीजिए एंशियंट टाइम में, या फिर आप शादरा शरीफ श्राइन को ले लें, तो वहाँ पर भी जो है वो क्या करते हैं, पिलग्रिम्स आते हैं, वो अपना चढ़ावा चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पर भी आप देखें शादरा शरीफ जो है वहाँ पर भी कितनी बड़ी मार्केट जो है वो बन गई है, और वहाँ पर जो है पिलग्रिम्स जाते हैं। और उसके बाद ये जो पैसा है ये उस जगह की कंस्ट्रक्शन के लिए लगता है, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई, जैसे BGSPU जिसको आप कह सकते हैं बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का ट्रस्ट जो है वो उस पर चलता है। तो इसी तरह से उस ज़माने में भी क्या करते थे लोग, अपनी इकोनॉमी और अपनी जो नीड्स थी वो उससे पूरी करते थे। दे ग्रू टेम्पल टाउन्स, टेम्पल्स जो थे, जो टाउन्स जो थे वो जो टेम्पल्स के आसपास जो है वहाँ पर मतलब उनको इस्टेब्लिश किया जाता था, जैसे कि बिलासवमिन जो था ये बिलसा और ये मध्य प्रदेश में ये है, और सोमनाथ जो है गुजरात में, ये क्या है, ये टेम्पल्स जो है वहीं पे बनाए
टेम्पल्स के आसपास ही वहाँ पे टाउन्स इस्टेब्लिश होते थे। अदर इम्पॉर्टेंट टेम्पल टाउन्स जो थे वो कौन कौन से अभी भी हैं, जैसे कांचीपुरम ऑफ मदुराई इन तमिलनाडु एंड तिरुपति आंध्र प्रदेश। तिरुपति का मंदिर तो इसका आपने बहुत सारा नाम सुना होगा। हाँ, तो पिलग्रिमेज सेंटर्स ऑल्सो स्लोली डिवेलप इन टाउनशिप्स, ठीक है, जैसे वृंदावन उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे और तिरुवनमलाई तमिलनाडु में। ये जो है ऐसे टाउन्स हैं जो कि टाउनशिप से डिवेलप हुए। अजमेर राजस्थान जो है वो किसकी कैपिटल थी, फॉर एग्जाम्पल चोला चौहान किंग्स की थी 12th century में। और लेटर ये क्या बन गई, जब मुगल्स आए तो ये वहाँ का सूबा बन गया, एक सूबा जिसको टाउन को हिंदी में उर्दू में सूबा कहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उसको सूबा बना दिया गया। तो ये एक एग्जाम्पल हमें बताती कि कैसे रिलीजियस को एग्जिस्टेंस हुई विद द पॉलिटिक्स, राइट। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनका आपने नाम सुना भी होगा, मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे, जो ग्रेट सूफी सेंट थे, जिसका आप आगे चैप्टर 8 में भी पढ़ेंगे, तो जो वहाँ पे 12th century में जब वहाँ पर आके मतलब उनने अपना वहीं पर वो बैठ गए एक तरह से आप कह सकते हैं, तो बहुत सारे डिवोटीज उनके पास आते थे फ्रॉम ऑल क्रीड, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और अजमेर के पास जहाँ पर आज वो मोइनुद्दीन चिश्ती की जो ज्यारत भी है, जिसे आप कह सकते हैं राजस्थान में अजमेर में, तो पुष्कर जो आज भी वहाँ पर जो है श्रद्धालु हर एक रीजन के वहाँ पर आते हैं। तो पुष्कर जो था, जो ये कहाँ थी, अजमेर के पास जो है एक लेक है जिसका नाम है पुष्कर, तो जिस जहाँ पर बहुत पिलग्रिम्स जो हैं आज भी उस एंशियंट टाइम से जो है आते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या करामात हुई। तो उस टाइम क्या था, किस तरह से टाउन टेम्पल्स टाउन थे और किस तरह से पिलग्रिमेज सेंटर्स थे, ये आपने अभी देखा। अब आपकी एक बुक में ना एक टर्म है, एक आप कह सकते हैं पूरा एक टॉपिक जैसा है वो, एक आपकी उसमें एक फिगर में ब्रॉन्ज, उसकी एक फिगर भी बनाई गई है, ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ कृष्णा सबडूइंग द सर्पेंट डेमन कालिया, ठीक है, के जो कृष्णा की जो एक इमेज है, तो लॉर्ड कृष्णा कैसे वो जो डेमन है उसको अपने पाँव से मार रहे हैं। अब इसके ऊपर लिखा है ब्रॉन्ज बेल मेटल एंड द लॉस्ट वैक्स टेक्निक, कि ये तो हमने पढ़ा टाउन्स होते थे और टाउन्स में टेम्पल्स थे, टेम्पल टाउन थे, टेम्पल्स बनते थे, मूर्तियाँ थी, अब उनको बनाया कैसे जाता था और क्या टेक्निक होती थी वो हम पढ़ेंगे। ब्रॉन्ज बेल मेटल एंड द लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ब्रॉन्ज क्या है, एक अलॉय है, आप सबको पता है, एक धातु है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, कंपोजिशन होती है कॉपर की है टिन की, ठीक, साइंस वाले स्टूडेंट इसको ज़रा अच्छे से उनको पता भी होगा, कॉपर और जिंक की जो है कॉम्बिनेशन से ब्रॉन्ज बनता है। अब बेल मेटल जो है उसमें क्या होता था उस टाइम, जो ग्रेटर प्रोपोर्शन जो था टिन का होता था रादर देन अदर काइंड ऑफ ब्रॉन्ज, मतलब अगर ब्रॉन्ज में टिन और आप कहें कॉपर का जो उससे मिलके बनता था, लेकिन जो बेल मेटल होता था जिससे बेल बनती थी वो क्या होता था, उसमें टिन की प्रोपोर्शन ज़्यादा करते थे एज कम्पेयर टू कॉपर, तो दिस प्रोड्यूस अ बेल लाइक साउंड, जिससे उसकी बेल लाइक साउंड आती थी, ठीक है। ब्रॉन्ज, अगर आप ब्रॉन्ज क्या होता है पहले तो हम यही देख लेते हैं, ब्रॉन्ज क्या होता है, पीतल, पीतल के जो बर्तन होते हैं जो समवॉट दे लुक लाइक गोल्ड बट दे आर नॉट गोल्ड एक्चुअली, राइट, आप देखते होंगे ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल मिलाया, तो ये क्या होते हैं, ये सब क्या है, मेटल्स हैं, अलॉयज हैं। तो ब्रॉन्ज क्या होता है, पीतल का बर्तन, आप अपने घर में भी देखेंगे, अपनी मदर को पूछेंगे या घर वालों को, तो कोई ना कोई पीतल का बर्तन आपके घर में होगा, या पहले ज़माने में लोग पीतल की जो क्या कहते हैं आप बर्तन यूज़ करते थे, कुछ पीतल की गागर या पीतल का कुछ ग्लास या ऐसी चीज़ें जो है घर में यूज़ होती थी, इवन बेल्स आज भी जो है वो पीतल की होती हैं। तो चोला ब्रॉन्ज स्टैचूज जो थे, जो आपको चैप्टर 2 में आपने अगर देखा हो आपको याद आएगा, तो उसमें क्या था, वो किससे बना था, लॉस्ट वैक्स टेक्निक से, ठीक है। लॉस्ट वैक्स टेक्निक, अब ये क्या है, फर्स्ट इसमें क्या किया जाता था, जरा ही समझने की बात है, एन इमेज वॉज मेड ऑफ वैक्स, ठीक है। अब देखो वैक्स क्या होती है, कोई भी मोम जैसे ना, आप देखिए हमारी कैंडल भी वैक्स से बनती है, तो जब वो पिघलती है तो हम उसको किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। तो क्या होता था, एक इमेज को बनाया जाता था वैक्स से, आप ये ज़रा इसको इमेजिन कीजिए कि वैक्स है मेरे पास और उसको जैसे आजकल आप कह सकते हैं क्ले का हम कुछ भी बनाते हैं ना मोल्ड करके, तो वैसे उस टाइम वैक्स होती थी जिसको वो मोल्ड करके कोई भी शेप दे देते थे, कोई भी आकार दे देते थे।
तो ये जो शेप थी, ये जो वैक्स बनती थी, दिस वॉज कवर्ड विद अ क्ले एंड अलाउड टू ड्राई। जब एक वैक्स से उन्होंने कोई इमेज बना ली तो उसके ऊपर उसके क्या करते थे, क्ले को थोप देते थे। इन द सेंस कि उस इमेज के ऊपर, वो जो वैक्स की इमेज है उसके ऊपर क्ले को लगाना और वैसी ही इमेज बना देनी। ठीक, नेक्स्ट इट वॉज हीटेड। उसके बाद उस क्ले को हीट किया जाता था और एक टाइनी होल जो है उसके बीच में बना दिया जाता था, तो उस क्ले कवर के बीच में। ठीक है, अब जो मोल्टन वैक्स है, अब उसके बाद क्या होता था, जब ये क्ले सूख जाए तो जो मोल्टन वैक्स है, जो अंदर वैक्स थी, उसको ना पिघला के उसको ड्रेन आउट किया जाता था उस होल से। ठीक है, अब आप समझ गए, वैक्स के बाहर जो मिट्टी का जो इमेज है वो तो वैसी रही, लेकिन जो वैक्स थी जिससे वो इनिशियली बना, तो उस वैक्स को ड्रेन आउट करने के लिए उसको पिघला दिया जाता था। और मतलब जैसे ही वो पिघल होगी, मतलब पिघल जाएगी, तो वो अंदर ना, क्योंकि हीट जब देंगे किसको, जब क्ले को क्या करते थे, पहले तो वो कवर करते थे क्ले से, उसके बाद उसको हीट किया जाता था। हीट से क्या होता था, मिट्टी तो पक जाती थी लेकिन जो अंदर से जो वैक्स थी वो मोल्टन फॉर्म में, मतलब ऐसे पिघली हुई फॉर्म में थी, जिसको वो निकल जाती थी उस होल से, जो होल किया जाता था शुरू में। अब ये जो मोल्टन मेटल जो था वो उसके बाद क्या करते थे, मेटल को ना पिघलाने के लिए, आप देखते हैं ना गोल्ड कैसे बनता है, गोल्ड स्मिथ क्या करते हैं, गोल्ड को पिघलाते हैं फिर उसको बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, उसी तरह से पीतल को भी क्या किया जाता था, उसको क्या करते थे, मोल्टन मतलब वो उसको हीट करके और उसको बिल्कुल उस फॉर्म में लाया जाता था। अब ये जो मोल्टन मेटल था इसको फिर दोबारा से उस क्ले मोल्ड में डाला जाता था, किस जगह से, वही होल जहाँ से वो वैक्स निकली उसी होल से इसको डालते थे अंदर, ये जो मोल्टन मेटल था। अब जब मेटल ठंडा हो गया है ना, जब कूल हो गया, एक टेम्परेचर में अपने आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। जब वो सॉलिडिफाई हो जाता था, जो क्लियर कवर था उसको ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता से रिमूव कर दिया जाता था, और उसके बाद जो मेटल था वो निखर के बाहर आता था, और उसको बाद में क्लीन करके और उसको पॉलिशिंग की जाती थी। तो ये आपने समझ लिया किस तरह से ये सारा प्रोसेस होता था, ब्रॉन्ज बेल मेटल एंड द लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ठीक है, कि किस तरह से एक इमेज को पहले वैक्स से बनाया जाता था, फिर उसके ऊपर क्ले लगाई जाती थी उसी इमेज की के ऊपर, समझ लें आप ज़रा इमेजिन कीजिए। फिर उसके बाद जब वो उसको सुखाया जाता था, उसके बाद ना उसको हीट किया जाता था मिट्टी को, उसके बाद क्या होता था, जब वो सूख जाती थी तो अंदर से जो वो जो वैक्स थी वो पिघलने शुरू हो जाती थी, क्योंकि हीट उसको मिल रही है तो वो उस होल से वो निकल जाती थी। फिर उसके बाद क्या करते थे, इसी होल से वो जो मोल्टन मेटल था जिसको पिघला के डाला जाता था, तो वो उसके बीच में डालते थे पूरी तरह, वो हर जगह जैसे वो पहुंच गई और वो इमेज बन गई एक तरह से। तो उसके बाद जब वो ठंडी हो जाती थी एक टेम्परेचर में अपने, और वो सॉलिडिफाई हो जाएगा मेटल, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से ये जो मिट्टी है ये हटा दी जाती थी और वो जो मूर्ति थी वो सामने आ जाती थी। तो अब आपको समझ आ गई किस तरह से ये सब प्रोसेस होता था और किस तरह से बनाया जाता था, और ये जो इमेज है आपकी बुक पे भी दिखाई गई है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स। अब नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स क्या होता था, पहले तो हमने टाउन टेम्पल्स पढ़ा। 8th सेंचुरी के ऑनवर्ड्स क्या हुआ कि जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे टाउन्स बन गए। ये कैसे इमर्ज हुए, फ्रॉम लार्ज विलेजेस, जो बड़े बड़े विलेजेस थे उनसे छोटे छोटे टाउन्स बन गए। ठीक है, अब उसमें क्या होता था, एक मंडी होती थी, ठीक है, जिसको उस टाइम बोलते थे मंडा पिका जो है, जिसको आजकल बोलते हैं मंडी, जहाँ पर विलेजर्स क्या करते थे, जो आसपास के विलेजर्स थे वो अपने जो भी उनका प्रोड्यूस होता था उसको लाते थे ताकि वो यहाँ पर आके बेचे। उस मंडी में सपोज कोई ग्रेन्स लेकर आएगा, कोई ऑयल लेकर आएगा, कोई स्टोन्स जो है मेसन्स हो गए वो कुछ अपना सामान लेकर आए, कोई गोल्ड स्मिथ हो गए, कोई सिल्वर स्मिथ हो गए, तो वो क्या करते थे, हर एक अपना सामान लाते थे। उनके पास क्या होती थी, एक स्ट्रीट्स, जो छोटी छोटी स्ट्रीट्स जिनको हम हट्टा कहते हैं, आजकल हाट कहते हैं, तो उसमें शॉप्स होती थी छोटी छोटी, जैसे आपकी यहाँ पर बुक में देखिए इमेज भी बताई हुई, कितनी सुंदर सी इमेज है, छोटे छोटे से ऐसे मार्केट प्लेस आपको दिख रही है ना, मंडी, पुरानी मंडी जैसे आपको जम्मू में भी दिखेगी, तो वह ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर है। वहाँ पर देखें आप किस तरह से, आप इमेज में भी देख रहे हैं, लोग कुछ लोगों के पास ग्रेन्स हैं, कुछ अपने माल मवेशी लेकर आए हैं, कुछ जो है पॉटर्स हैं, है ना, हर एक इमेज थी और लोग उसको खरीदारी करने भी आ रहे हैं। ठीक है, ऑयल प्रेसर्स थे, क्योंकि आज तो हमें ऑयल बॉटल में मिलता है ना, उस टाइम प्रेस करके ऑयल को ना बीज से वो निकालते थे। शुगर मेकर्स थे, उसके बाद स्मिथ्स
थे, स्टोन मैसन्स थे, ये सब उस मंडी में होते थे और अपना अपना कारोबार करते थे और जो भी इनका प्रोड्यूस था वो लेकर आते थे। वाइल सम ट्रेडर्स लिव्ड इन टाउन, जो अदर्स दे ट्रेवल्ड फ्रॉम टाउन टू टाउन, बिकॉज उनको अपने अपने कारोबार के सिलसिले में एक टाउन से दूसरे टाउन में जाना पड़ता था। बहुत सारे लोग जो है वो बहुत सारी दूर की प्लेसेस से आते थे और कुछ जो थे वो बिल्कुल पास की जगहों से आते थे और यहाँ पर जो लोकल आर्टिकल्स होते थे उस टाइम उसको खरीदते थे और फिर जो प्रोडक्ट्स होते थे उनको बेचते थे, जैसे कि लाइक सॉल्ट हो गया, हॉर्सेस हो गए, कैम्फर हो गया, सैफ्रन हो गया, स्पाइसेस हो गई जैसे कि पेपर हो गया, तो ये सब चीज़ें वो लोग बेचते थे और खरीदते थे। और यूजली क्या होता था, एक समानता जिसको लेटर टाइम्स में एक ज़मींदार कहते हैं वो क्या करता था, एक फोर्टिफाइड पैलेस जो है वो बनाता था। आपने हमने पिछले लेसन में भी पढ़ा था फोर्टिफाइड पैलेस क्या हुआ कि जहाँ फोर्ट की तरह का एक पैलेस और जिसमें अपने वो गार्ड्स और ये सब कुछ लगते थे। तो दे वो क्या करते थे, इन पे टैक्सेस लगाते थे ट्रेडर्स पे, आर्टिसंस पे और आर्टिकल्स जो भी उनका होता था ट्रेड का, और फिर क्या करते थे उनको डोनेट करते थे समथिंग लाइक कुछ कुछ को बोलते थे कि भाई आप लोग क्या करते हैं, ये आपके पास राइट है कि आप इनको कलेक्ट करें टैक्सेस को फ्रॉम लोकल टेम्पल्स, ठीक है, जो उनके द्वारा बनाए जाते थे, और या फिर जो रिच मर्चेंट थे उनके पास, ठीक है। तो ये जो राइट्स थे वो इंस्क्रिप्शन पे ये रिकॉर्ड किए गए हैं कि वो आज भी है, मतलब कि उस टाइम क्या क्या राइट्स होते थे और किस तरह से वो आर्टिकल्स जो थे आर्टिसन से ये सब चीज़ें जो हैं वो अपने टैक्सेस को कलेक्ट करते थे, ठीक है। अब टैक्सेस जो थे मार्केट्स पे वो किस तरह के थे, उसकी एक 10th सेंचुरी के ऑनवर्ड्स जो थे, यहाँ पर राजस्थान में एक इंस्क्रिप्शन है जिसमें ये कुछ बताते हैं कि कौन कौन से टैक्सेस जो हैं वो टेंपल अथॉरिटीज के द्वारा कलेक्ट किए जाते थे और ये आज भी हैं, ठीक है। टैक्सेस जो थे इन काइंड वो किस किस पे थे, शुगर, जैगरी, डाई, थ्रेड, कॉटन, कोकोनट सॉल्ट, कोकोनट्स हो गए, सॉल्ट हो गया, उसके बाद बटर हो गया, सिसमी ऑयल हो गया, क्लोथ हो गए, ठीक है। इन सब पे टैक्सेस जो थे वो काइंड फॉर्म में लगते थे, काइंड मतलब के पैसे की जरूरत नहीं, उसके बदले आप उस ये चीज़ें दे दो, ठीक। और उसके बाद क्या होता था, बिसाइड दिस देर वर टैक्सेस ऑन ट्रेडर्स, ठीक है, जो क्या करते थे गोल्ड मेटल्स, जो क्या करते थे जो मेटल्स या गुड्स को जो है वो सेल करते थे, या फिर ऑयल पे हो गया, कैटल फॉर्डर पे हो गया, या फिर लोड्स ऑफ ग्रेन्स हो गया, ये जो टैक्सेस थे वो के कुछ जो थे वो काइंड में पे करते थे और कुछ टैक्सेस जो थे वो कैश में पे करते थे, बिकॉज काइंड में उस टाइम लोग ज़्यादा पे करते थे तो मतलब कहीं जाते थे और उनको टैक्स मांगा तो क्योंकि पैसे का इतना नहीं था तो किसी ने ग्रेन दे दिए, किसी ने शुगर दे दिए, जो भी उसका प्रोड्यूस हुआ उसका जितना परसेंट उन्होंने रखा होगा तो वो टैक्स उसको पे करते थे, ठीक है। तो ये जो सारा सिस्टम है उस टाइम होता था और ये जो है ये नेटवर्क था स्मॉल टाउन्स का, ठीक है। उसके बाद जो ट्रेडर्स थे वहाँ पर किस तरह के होते थे, ट्रेडर्स जो थे वो बहुत काइंड के ट्रेडर्स थे, जैसे बंजाराज हो गए, ठीक है, चैप्टर 7 में आप देखेंगे आगे। उसके बाद सेवल ट्रेडर्स लाइक हॉर्स ट्रेडर्स हो गए और मतलब जो उनका हेडमैन होता था वो नेगोशिएट करता था मतलब वॉरियर्स के साथ जो अपने हॉर्सेस जो है लाते थे, तो ये तरह के ट्रेडर्स थे। और ये जो ट्रेडर्स थे ये बहुत सारी किंगडम्स के मतलब और जो बहुत सारे फॉरेस्ट हैं उनके थ्रू इनको ट्रैवल करना पड़ता था एक कारवां में, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें और अपने इंटरेस्ट को, जो क्योंकि उनको ये सब ट्रेडर्स जो है वो किसी किंगडम में जाएंगे तो वहाँ ट्रेड करेंगे, सपोज हॉर्स चाहिए होते थे उस टाइम लड़ाई के लिए तो वो हॉर्स बेचते थे, तो कुछ बंजारे होते थे जो अपनी लोकल जो चीज प्रोड्यूस थी वो बेचते थे। और साउथ इंडिया में जो है 8th सेंचुरी ऑनवर्ड्स बहुत सारे जो फेमस जो थे वो थे एक मनीग्राम और नाना देसी, ठीक है। ये क्या थे, ये ट्रेडर्स जो थे एक्सटेंसिवली जो थे साउथ ईस्ट एशिया में और चाइना में थे। ये जो है ये यहाँ पर जो है वो अपनी ट्रेड करते थे और यहाँ पर अपनी चीज़ों को बेचते थे। और इसके अलावा वहाँ पर कम्युनिटीज़ थी जैसे चेटियार्स थे, मारवाड़ी हो गए, मारवाड़ी का तो नाम आपने आज भी सुना होगा। तो वो क्या करते थे, प्रिंसिपल ट्रेडिंग ग्रुप्स होते थे किसी भी कंट्री के,
गुजराती ट्रेडर्स में जो कम्युनिटीज़ थी हिंदू बनियास की या मुस्लिम बोरा कम्युनिटी जो है वो ट्रेड करती थी एक्सटेंसिवली, कहाँ पर, रेड सी के पास, पर्शियन गल्फ, एशिया, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना में ये लोग ट्रेड करते थे। उसके बाद वो वहाँ पर अपने टेक्सटाइल जो है या स्पाइसेस जो हैं वो बेचते थे और इन एक्सचेंज वहाँ से क्या लाते थे, गोल्ड लाते थे और आइवरी, कहाँ से, अफ्रीका से स्पाइसेस लाते थे, टिन लाते थे और चाइनीज़ की जो ब्लू पॉटरी है और जो सिल्वर जो था वो चाइनीज़ से ब्लू पॉटरी लाते थे। आज भी आप देखें तो चाइना की जो पॉटरी है या चाइना के जो जो होते हैं डिनर वेयर आप देखेंगे तो बहुत सुंदर खूबसूरत होते हैं, और सिल्वर जो लाते थे वो साउथ ईस्ट एशिया से और चाइना से। अब जो टाउन जो थे वेस्ट कोस्ट पे, जो अरब के जो वो घर था एक तरह से आप कह सकते हैं, चाइनीज़ का, ज्यूश का, सीरियन क्रिश्चियन ट्रेडर्स का, तो इंडियन स्पाइसेस जो क्लोथ जो था ये बहुत मशहूर होता था रेड सी के आसपास जो पोर्ट्स थे, तो इटालियंस जो थे वो इसको क्या करते थे, परचेज करते थे, ठीक है, तो ये फिर यूरोपियन मार्केट्स में जाता था जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते थे। स्पाइसेस जो थी ट्रॉपिकल, जैसे हमारे जो गर्म इलाके थे वहाँ पर जो पाए जाते थे, जैसे पेपर हो गया, सिनेमन हो गया, नट, ड्राइड जिंजर हो गई, तो ये सब जो थे इम्पॉर्टेंट यूरोपियन कुकिंग जो है इंग्रेडिएंट्स आप इनको कह सकते हैं। और कॉटन क्लॉथ हमारे इंडिया का बहुत ज़्यादा मशहूर था तो ये भी वहाँ पर बहुत अट्रैक्टिव था, तो ये भी यहाँ से जो है वो सेल किया जाता था। इससे क्या हुआ, जो यूरोपियन ट्रेडर्स जो थे उनको लगा कि भाई इंडिया में जो है ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है, और ये आप नेक्स्ट पढ़ेंगे जब कि किस तरह से क्या क्या चेंजेस आई जो टाउन जो सिटीज़ में हमें फिर बाद में देखनी पड़ी, बिकॉज जब यूरोपियंस यहाँ पर हो गए क्या इंटरेस्टेड ट्रेड करने के लिए। तो इतना इसको हम रखेंगे, पार्ट फर्स्ट में हमने इसको डिवाइड आज पढ़ लिया पार्ट वन, अब इसका पार्ट टू है जो हम नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अब आपको जो क्वेश्चन करने हैं वो क्या है, जो आपने बताने हैं मुझे घर से, क्या कि वाटर सप्लाई जो थी तंजौर में कैसी थी, किस तरह से होती थी, व्हाट वाज द मीडियम, और उसके बाद वो जो आर्किटेक्ट जो है जिसका नाम है राजा राजेश्वर टेंपल में, उसका नाम हम एक इंस्क्रिप्शन से जानते हैं या फिर कि कौन, किसने ये बताया, ठीक है। अजमेर जो है, अब आप मुझे ये बताएंगे वो किस सूफी सेंट से एसोसिएटेड है। और एक क्वेश्चन और आपने करना है वो क्या है कि व्हाई डू यू थिंक टाउन्स ग्रू अराउंड टेंपल्स, है ये क्यों टाउन्स जो है वो टेंपल्स के अराउंड जो है उस टाइम जो है वो एस्टेब्लिश किए जाते थे, क्या रीज़न था, और उसके बाद कि जो वाटर सप्लाई थी उस टाइम किस तरह की थी तंजौर जो है टाउन में, वो क्या मीडियम था उसका, ये आप लोग करेंगे। तो इसी के साथ हमारा जो इस सिक्स चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम उसमें करेंगे हमारे लेक्चर में, टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। सो होप आपको समझ आ गया, एंड Have a good day and have a nice time. Okay, thank you.